हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज एक बड़े अपडेट की बात करने वाले हैं। जैसा कि जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति की साइट पर आप जाते हैं तो वहां पे एक नोटिफिकेशन आया था, जो कि तब का नोटिफिकेशन है जब आपका क्लास 11th फॉर्म फिल किया जा रहा था। उस टाइम का साफ साफ बताया गया था कि 1 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे अगर मैं कंपेरिजन करूँ सेंट्रल हिंदू स्कूल की, तो वहां पे अगर जो डेटे क्लियर बताई जाती हैं वहां तक हाँ लगभग फॉलो की जाती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिट कार्ड की, तो देखते हैं क्या एडमिट कार्ड आया है जवाहर नवोदय विद्यालय का। आप सभी के समक्ष रखते हैं कि 1 जुलाई को जो आने वाला था एडमिट कार्ड, क्या ये बात सच है। आज हो गया है 2 जुलाई, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली जवाहर नवोदय विद्यालय की साइट पर। तो कई ये वीडियो बनाना मेरे लिए जरूरी क्यों हुआ, पहले मैं ये बात बता दूं, क्योंकि कई लोग हैं जो कि लगातार अपडेट किए जा रहे हैं कि क्लास 11, अभी नया नया यूट्यूब चैनल ओपन करके क्लास 11 का एडमिट कार्ड आ गया जेएनवी का। भाई क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो, देखो कहां कौन सी नोटिफिकेशन दिख रही है आपको। कोई नोटिफिकेशन है, ये है नोटिफिकेशन कब की, 22/6/2023 की, जबकि क्लास 6 का रिजल्ट आया था 22/6/2023। कई लोग इसको भी नया मुद्दा बना के अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या मतलब है बच्चों को फालतू में परेशान करने का। तो अभी के लिए स्टडी कैपिटल की टीम ने जो भी रिसर्च किया, आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। आप यूजुअली नया ब्राउजर ओपन करके अगर आप जाते हैं कहाँ पे, आप डायरेक्टली सर्च करिए एनवीएस आप अगर सर्च करते हैं तो, एक सेकंड मुझे सर्च करने दीजिए ना, एनवीएस अगर आप एनवीएस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आएगा नवोदय विद्यालय साइट समिति की साइट ओपन हो जाती है। एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे नया पोर्टल ओपन हो रहा है, जेएनवी या एनवीएस कुछ भी आप टाइप करिए। चलिए यहाँ पे देखिए नवोदय विद्यालय की जैसे आप साइट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए अभी क्लास 6 के रिजल्ट की ही बात हो रही है। अगर आपका एडमिट कार्ड आएगा तो चेक करने का सिंपल सा प्रोसेस है कि जाके गूगल पे टाइप करिए जेएनवी या एनवीएस, या आपको साइट दिख रही है कि navoday.gov.in, क्लिक करिए यहाँ पे। जैसे ही अगर आप 11th का आएगा एडमिट कार्ड, एकदम ऊपर ही यहाँ पे एक नया टैब बन जाएगा रेड कलर का, लिखा रहेगा क्लास 11th एडमिट कार्ड, तो वहीं से आप जाकर चेक करिएगा। और अगर मैं आपको बता दूं 22 तारीख को एग्जाम है इसका, तो इस 1 जुलाई को जो बताया गया था डेफिनेटली 1 से 5 जुलाई के बीच में एडमिट कार्ड इसका आना चाहिए, ठीक है। जहां तक मेरे हिसाब से मैं बात बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट करके बोल दो कि भैया आप बोले थे 5 जुलाई तक नहीं आया, तो आ सकता है, संभावना है, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि भाई क्या मतलब है फालतू में ऐसा काम करने का, बच्चों को गुमराह नहीं करिए। तो आप प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। बाय बाय।